الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم. बुजुर्गों और भाइयों, ईमान के लवाहिक में से नमाज और रोजे का जिक्र, नमाज और जकात का जिक्र किया जा रहा। इबादत बदनिया दो हैं, नमाज और रोजा, ये दोनों बदन की इबादत हैं। इन दोनों इबादतों में मकसूद इत्आबे नफ्स है, अपने आप को थकाना है, रोजे में भी और नमाज में भी। और जकात ये माली इबादत है, इसमें जिस पर जकात वाजिब है उसके हुक्म से, उसके इजाजत से कोई दूसरा जकात अदा कर दे तो भी जायज है। बीवी के जेवरात हैं, बीवी ने मियां से कहा कि आप मेरे जेवरात की जकात दे दें, और मियां ने जकात दे दी तो जकात अदा हो गई। क्योंकि ये इबादत माली है और इसमें मकसूद है गरीब तक ताउन पहुंचना, तो चाहे बीवी जकात अपने जेवरात की दे या उसकी तरफ से उसका शौहर जकात दे, गरीब तक ताउन पहुंच गया, लिहाजा सही है। लेकिन इसमें सराहतन दलालतन उर्फन बीवी की इजाजत जरूरी है, उसकी इजाजत से शौहर जकात अदा करेगा तो जकात अदा होगी, बगैर उसके इल्म व इत्तला के अगर वो जकात देगा तो जकात अदा नहीं होगी। कम से कम इतना तो बीवी का उसमें हिस्सा होना ही चाहिए कि वो मियाँ को हुक्म दे, या मियाँ कहे कि मैं आपके जेवरात की जकात दे रहा हूँ, और बीवी सुनकर खामोश रहे, उसके इल्म में आ गया तो बस काफी है। या हर साल शौहर बीवी के जेवरात की जकात देता है तो ये उसका उर्फ है, उसके घर का उर्फ है, तो उस उर्फ के मुताबिक। और अगर बिल्कुल इल्म इत्तला नहीं है और एक की जकात या सदके फित्र दूसरा अदा करेगा तो अदा नहीं होगा, इल्म इत्तला जरूरी है। बहरहाल मैं कह रहा था कि जकात चूंकि इबादत माली है और उसमें मकसूद गरीब तक
हेल्प ताउन पहुंचना जरूरी है, चाहे साहिब माल अदा करे चाहे कोई दूसरा उसके हुक्म से अदा करे, हर सूरत में जकात और सदके फितर अदा हो जाता। और इबादत बदनी में, नमाज में और रोजे में मकसूद अपने आप को थकाना है, लिहाजा इबादत बदनिया में खुद इबादत करनी है, दूसरे को वकील बना दिया, दूसरे को जिम्मेदारी सौंप दी कि आप ये मेरी तरफ से इबादत कर लें, इस तरह से इबादत करके नायब बनाना वकालत का जायज नहीं। क्योंकि शोहर सुबह उठा, बीवी उठी, शोहर पढ़ा है, उसने बीवी से कहा मेरी भी फजर की दो रकातें तो पढ़ लीजिए, ये जायज नहीं है। इसलिए कि अगर बीवी पढ़ेगी तो बीवी थकेगी, शोहर तो पड़ा पड़ा खर्राटे ले रहा है, उसको क्या तकलीफ पहुंची। इसलिए इबादत बदनी में तौकील और नियाबत जायज नहीं। अलबत्ता हजरत इमाम अहमद अलैहिर्रहमान एक मसले में गुंजाइश रखते हैं कि अगर किसी पर मन्नत के रोजे हों, मर्द पर या औरत पर, और वो मर जाए तो नियाबतन उसका वारिस रोजे रख सकता है, मन्नत के रोजे रख सकता है, और उनकी दलील बुखारी शरीफ की एक हदीस है। लेकिन इमाम अहमद अलैहि रहमा के अलावा दूसरे तीन फुकहा कहते हैं कि नहीं, मन्नत के रोजे अगर मैयत पर बाकी हैं तो उसमें भी वारिस नियाबतन रोजे नहीं रख सकता है, अलबत्ता वारिस कफारा दे सकता है। जैसे आदमी जिंदगी में बूढ़ा हो जाए बहुत ज्यादा, या बीमार हो जाए बहुत ज्यादा, और कब्र सही होने की, तंदुरुस्त होने की उम्मीद न हो तो फिदिया दे सकता है। ऐसे जो आदमी मर गया तो अब अदा करने की कोई सूरत नहीं है, तो उसकी वसीयत से या बगैर वसीयत के वरसा फिदिया दे सकते, तो मन्नत के रोजों का भी वरसा फिदिया दे सकते हैं, उसकी तरफ से नायब बन करके कज़ा रोजे नहीं रख सकते हैं। बहरहाल ये हजरत इमाम अहमद अलैहिर्रहमा की एक राय है और उनके मानने वाले उस पर अमल करते होंगे। लेकिन बाकी तीन फुकहा की राय ये है कि इबादत बदनिया में वकालत नियाबत नहीं होती है। उसके बाद ये समझना चाहिए कि ज़कात के लिए और सदक़े फितर के लिए हर शख्स पर ज़कात नहीं है, हर शख्स पर सदक़े फितर नहीं है, बल्कि जो निसाब का मालिक है उस पर सदक़े फितर है। सदक़े फितर में निसाब का मालिक होना जरूरी है, हौलाने हौल जरूरी नहीं है, और ज़कात में निसाब का मालिक होना जरूरी है, फिर उस निसाब पर एक साल गुजर जाए तब ज़कात अदा करना फर्ज होता है। निसाब का मालिक होते ही ज़कात वाजिब हो जाती है, लेकिन ज़कात अदा करना फर्ज होता है जब निसाब उसके पास एक साल रहे, हवलाने हौल हो जाए तब ज़कात निकालना जरूरी होता है। बस सदक़े फितर का एक निसाब है और एक ज़कात का निसाब है। सदक़े फितर का जो निसाब है वो छोटा निसाब कहलाता है, और ज़कात का जो निसाब है बड़ा निसाब कहलाता है। उसूल फिका की इस्तेला में ये जो छोटा निसाब है इसे कुदरत मुमक्किना वाला निसाब कहते हैं, यानी वो निसाब जिसकी वजह से आदमी के लिए हुक्म शरई पर अमल करना मुमकिन हो जाता है, कुदरत मुमक्किना। और बड़ा जो निसाब है ज़कात वाला वो कुदरत मुयस्सरा वाला निसाब कहलाता है, यानी वो निसाब के जिससे अल्लाह के हुक्म पर अमल करना आसान हो जाता है। बहरहाल ये दो निसाब हैं, एक बड़ा निसाब है एक छोटा निसाब है। छोटे निसाब के साथ पांच अहकाम मुताल्लिक हैं और बड़े निसाब के साथ छह अहकाम मुताल्लिक हैं। मैं वो दोनों निसाब आपको बतलाता हूँ, इसे लोग आम तौर पर इन निसाबों को न जानते नहीं है। सबसे पहले बात ये जाननी चाहिए कि निसाब में चांदी का निसाब मोतबर है। चांदी का निसाब है 200 दिरहम। 200 दिरहम के होते हैं 52.5 तोला चांदी,
अब वो 52.5 तोला चांदी वाला जमाना भी गया, अब है 612 ग्राम चांदी। 612 ग्राम चांदी या उसकी जो कीमत है वो है निसाब। ये बुनियादी निसाब ये है, 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी की जो भी कीमत है, ये चांदी हो या उस चांदी की जो कीमत है उस कीमत के बकदर रुपए हो, तो ये बुनियादी निसाब है। सोने का निसाब अलग है या वो महमूल है चांदी के निसाब पर। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमा की राय ये है कि सोने का कोई अलग निसाब नहीं है, सोने का निसाब चांदी के निसाब पर महमूल है। और शाह साहब ही की ये राय नहीं है, मुतकद्दिमीन में 3-4-5 आदमी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, इनमें अरबा में से नहीं है, दूसरे बड़े लोग गुजरे हैं, वो भी यही कहते हैं कि सोने का कोई निसाब नहीं। वो कहते हैं कि सोने के निसाब की जितनी हदीसें हैं वो सब ज़ईफ हैं, लिहाजा असल निसाब तो चांदी का निसाब है। लिहाजा 612 ग्राम चांदी के बकदर मान लो कि आजकल 612 ग्राम चांदी की कीमत है 35-40 हजार रुपए। बस ये 40 हजार रुपए ये निसाब है। बस अगर किसी के पास में 1 तोला सोना है तो वो भी साहिब निसाब हो गया, क्योंकि 1 तोला सोने की कीमत 40 हजार से भी ज्यादा है। और ये जो कहते हैं कि 7.5 तोला सोने का निसाब, ये फुकहा की राय है, चारों अइम्मा की राय ये है कि सोने का निसाब ये है और चांदी का निसाब ये है। 7.5 तोला यानी 612 ग्राम चांदी या उसकी कीमत, और 7.5 तोला सोना यानी 87 ग्राम और थोड़ा सा ऊपर 0.15 ऊपर, इसने इतना सोना हो या उसकी कीमत हो, कि दो निसाब अलग अलग हैं। और सोने के बारे में, जो सोने के निसाब के बारे में 3 हदीसें हैं, और वो तीनों हदीसें काबिले इस्तिदलाल हैं, उनमें कोई खास कमजोरी नहीं है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा की शरह मैंने लिखी है रहमतुल्लाहिल वासिया, उस शरह में वो तीनों हदीसें मैंने बयान की हैं। फुकहा उन हदीसों की वजह से सोने का निसाब अलग करते हैं, चांदी का निसाब अलग करते हैं। लेकिन फिर फुकहा के यहाँ भी अगर थोड़ा चांदी है और थोड़ा सोना है तो फिर दोनों को मिलाते हैं और फिर चांदी के निसाब का एतबार करते हैं। एक तरफ तो दोनों को अलग अलग भी मानते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा हो तो मिला करके चांदी के निसाब का एतबार करते हैं, तो ये खरबता है, दो तरफ का मसला है। बहरहाल उसको रहने दो, ये फुकहाए किराम के मसले हैं, उनको रहने दो। हम तो जो मुकल्लिद हैं, लिहाजा हमारे इमाम का जो मजहब है वो ये है कि सोने का कोई अलग निसाब नहीं है, सोना चांदी का एक निसाब है और सोना चांदी पर महमूल है, और सिर्फ किसी के पास सोना है तो फिर सोने का निसाब अलग है, लेकिन थोड़ा सोना और थोड़ा चांदी है तो फिर सोने का निसाब अलग नहीं है, सोना चांदी की कीमत मिला करके चांदी के निसाब को देखेंगे। और अगर किसी के पास में सिर्फ सोना है तो फिर 7.5 तोला सोना होंगे, तब साहिब निसाब होगा। किसी के पास सिर्फ चांदी है तो फिर जब 612 ग्राम चांदी होगी तब वो साहिब निसाब होगा। मैं तो इस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़ा निसाब है, जकात वाला निसाब है, ये 4 चीजों से बनता है, ऊंट, भेड़ बकरियां और गायें भैंसे, और सोना चांदी करंसी और अमवाले तिजारत, ये चारों एक हैं। सोना चांदी करंसी और अमवाले तिजारत, तिजारत का गुड्स बिजनेस, गुड्स कोई भी बिजनेस, गुड्स चाहे मिट्टी बेचता है, तो ये 4 चीजों से जकात का निसाब बनता है। अगर किसी के पास ये चारों जिनसे अलग अलग है, इनको मिलाएंगे नहीं, अगर 5 ऊंट हैं तो साहिब निसाब है, ऊंट है या ऊंटनिया हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, अगर सिर्फ बच्चे हैं तो नहीं, बल्कि उनमें कम से कम एक बड़ा होना चाहिए। बहरहाल 5 ऊंट निसाब हैं
और उस पांच ऊंट अगर किसी के पास है तो उसमें एक बकरी वाजिब होती है, फिर उसके बाद में फिर आगे मसला है। गायें भैंसे अगर किसी के पास है और वो साइमा है, जंगल में चरती हैं, जैसे कि बहुत से लोग गायें पालते हैं, वो दिन भर जंगल में चराते रहते हैं, उनके घर खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे ही गाय भैंस जंगल में चरती हैं पूरा साल या साल का बेशतर हिस्सा, और वो गायें भैंस रखी गई हैं बच्चे हासिल करने के लिए और जवाइद और फवाइद दूध हासिल करने के लिए, तो उनका छोटा रेवड़ है 30 गायों का भैंसों का। गायें भैंसे एक हैं और गायें भैंसे दोनों को मिला करके गिनेंगे 30 अगर हैं, छोटे बड़े भी सब उसमें, एक कम से कम एक बड़ा होना चाहिए, सारे छोटे बच्चे हैं तो वो निशान नहीं बनेगा। तो अगर 30 गायें भैंसे हैं तो अब ये निशाब है, उसमें फिर एक साला बच्चा वाजिब होगा, चाहे मुजक्कर बच्चा दो या मुअन्नस बच्चा दो। और बकरियों का छोटा रेवड़ बनाया है 40 बकरियों का, इसमें भी भेड़ बकरियां एक हैं, भेड़ यानी बालों वाले जो हैं वो और जो ऊन वाले हैं ये सब भेड़ बकरियां एक हैं, छोटे बड़े भी सबको एक साथ गिनेंगे, एक कम से कम बड़ा अंदर होना चाहिए, सारे बच्चे ना हो। ऐसे भेड़ बकरियों का रेवड़ 40 का है, 40 बकरियां हैं उसके पास, तो उसके पास एक उस पर हौला न हौल हो जाए, एक साल गुजर जाए तो फिर उसमें से एक बकरी लेंगे, ऐसी एक बकरी जिसकी कुर्बानी हो सके, यानी एक साल उम्र की बकरी लेंगे। और ये तीनों अलग अलग हैं, अगर किसी के पास 4 ऊंट हैं और 20 गायें हैं तो इनको नहीं मिलाएंगे, उसे निशाब नहीं है। किसी के पास में 4 ऊंट हैं, 20 गायें हैं, 25 बकरियां हैं तो इनको आपस में नहीं मिलाएंगे, ये सब तीनों अलग अलग हैं। और चौथी चीज है सोना, चांदी, करंसी और अमवाल तिजारत, ये चारों चीजें एक हैं, इनको मिलाया जाएगा। ये चारों चीजें मिल करके अगर सिर्फ चांदी है तो 612 ग्राम निशाब है, सिर्फ सोना है तो 87 ग्राम उसका निशाब है, लेकिन थोड़ी चांदी, थोड़ा सोना, थोड़े रुपए, थोड़ा तिजारती सामान है तो फिर सब की कीमत लगा करके लिस्ट बना कर देखेंगे, अगर 612 ग्राम चांदी के बकद्र उस हो गया तो साहिब निशाब बन गया। ये जो बड़ा निशाब है, इस बड़े निशाब के साथ 6 अहकाम मुतालिक है और एक दूसरा छोटा निसाब है। छोटे निसाब में जरूरियात जिंदगी को अलग करो, उसके अलावा जितनी बेजरूरत चीजें हैं सब की कीमत लगा करके देखेंगे कि 612 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। सब चीजें गिनी जाएंगी। एक औरत है, उसके पास में 5, 6, 7, 8 जोड़े तो सिले हुए हैं और वो पहनती है कभी कभी, और उसके अलावा पूरा बक्सा भरा हुआ है, उसमें जोड़े रखे हुए हैं, उसको सिले भी नहीं अभी, तो ये जो जायद कपड़े हैं ये भी निसाब में गिने जाएंगे, उनकी कीमत भी निसाब में गिनी जाएगी। घर में बर्तन हैं, बहुत से बर्तन हैं जिसको कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, बाहर पुराने जमाने के बर्तन रखे हुए साल भर में कभी इस्तेमाल नहीं होते, वो बर्तन भी गिने जाएंगे। इसी तरीके पर मकान है तो मकान रहने के बकद्र, खुद रहना हो, जानवर हो उनके लिए मकान रखो, ये तो मुस्तस्ना है। उसके अलावा जो मकान है, चाहे तो खाली पड़े हो या किराए पर दिए हो, उनकी कीमत भी निसाब में लगेगी। वो जो किराए पर दे रखे हैं, अगर उस किराए से उसका घर चलता है तो फिर जितना मकान के किराए से घर चल रहा हो वो तो जरूरत में है, लेकिन जो घर चलने के लिए जिनका किराया जरूरी नहीं है, वो मकान जो किराए पर दिए गए हैं उनकी कीमत भी निसाब में लगेगी। इसी तरह से एक आदमी के पास जमीन है तो इतनी जमीन के जिससे फैमिली का गुजारा चल हो सकता है, उतनी जमीन को तो एक्सेप्ट करो, उसके से जायद जमीन है तो वो जमीन भी कीमत लगकर निसाब में लगेगी।
यहाँ मुफ्ती साहेबान जरूरियात जिंदगी में मोबाइल को नहीं लेते। बाद मोबाइल 25-30-50 हजार के होते हैं, वो कहते हैं ये जरूरत से जायद है। वो लोग कार को भी जरूरियात में नहीं लेते। कार शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में तो कार जरूरी है, लेकिन देहातों में क्या जरूरी है? बस एक आदमी के पास कार है तो जरूरियात में से उसको नहीं लेते हैं। इसी तरीके पर टीवी को भी जरूरियात में नहीं शुमार करते। वो मुफ्ती कहते हैं कि इन सब की कीमतें लगाओ, निसाब में लगेंगे और वो छोटे निसाब का मालिक बनेगा। लेकिन मैं इसमें जरा तवज्जो बरतता हूं कि ये जो टीवी है ये शहरों के अंदर जरूरी सी हो गई है, क्योंकि अगर टीवी घर में नहीं होगी तो बच्चे भी दूसरे घरों में जाएंगे, आवारा होते हैं। कार अगर चाहे देहात में कार की जरूरत नहीं है मगर कार भी चाहिए। इसी तरह से आजकल मोबाइल जो है दुनिया के अहवाल से वाकिफ होने के लिए मोबाइल भी जरूरी है, तो चलो इसे मुस्तस्ना करो। लेकिन ये औरत के बेसिले कपड़े रखे हैं ये जरूरत में नहीं है। जितने कपड़े उसने सिए हैं और पहन रही है वो जरूरत में है। और जो ससुराल से मिले हुए हैं या मैके से मिले हुए जोड़े हैं जो अभी तक सीए ही नहीं है वो जरूरत से जायद है, उसकी कीमत लगकर हिसाब में आएगी। बहरहाल हमारे घरों में पुराने जमाने के बर्तन रखे हुए होते हैं, बड़े बड़े बर्तन तांबे के पीतल के रखे होते हैं, कभी जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं होते। ये सब जरूरत से जायद है। ये सब चीजें कीमत लग करके मकान अगर उसका किराया घर के खर्चे के लिए किराया जरूरी है तो उतने मकान जो किराए पर उठाए हैं वो तो जरूरत में है, लेकिन उससे जायद है जिसके पैसे किराया आकर बैलेंस होता है तो वो मकान जो किराए पर उठा रखे वो भी जरूरत से जायद है। इसी तरह से जमीन, इतनी जमीन के जिसकी आमदनी घर की जरूरत के लिए है वो तो मुस्तस्ना है, बाकी जायद जमीन है तो वो भी उसी में। पहले लोगों के पास जायज जमीनें होती थी, अब तो कहाँ रही लोगों के पास जायज जमीनें? अब तो 48 एकड़ जमीन एक आदमी के पास रह सकती है, आगे रह ही नहीं सकती है। और इतनी जमीन तो घर चलाने के लिए, छोटी फैमिली के चलाने के लिए जरूरी होती है। बहरहाल मैं कह रहा था कि जो छोटा निसाब है, इस छोटे निसाब में फर्स्ट नीड यानी बुनियादी जरूरतें जिसके जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है उनको अलग कर लो। उसके अलावा बुनियादी जरूरियात हाजात असलिया से जायद जितनी चीजें हैं उन सब की कीमत लगाओ, और वो कीमत 612 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंच गई तो वो छोटे निसाब का मालिक हो गया। और इस छोटे निसाब पर हौला ने हौल जरूरी नहीं, साल गुजरना जरूरी नहीं। जो छोटे निसाब का मालिक हो गया उस पर 5 अहकाम है। एक, उस पर सदकई फित्र वाजिब है। साहिब निसाब हो गया, छोटा निसाब का मालिक हो गया तो चाहे साल न गुजरा हो उस पर सदकई फित्र वाजिब है। दूसरा, उस पर कुर्बानी वाजिब है। तीसरा, उसके लिए जकात लेना हराम है, वो जकात नहीं ले सकता। जब तेरे पास जरूरत से जायद इतनी चीजें हैं तो जकात क्यों ले रहा है? जकात को लेना हराम है, उसको जकात देने से जकात अदा नहीं होगी। और तीसरे और चौथे, हज फर्ज है। जरूरत से अपने घर के खर्चे से जायद जमीनें है या मकान है तो बेच करके हज में जाओ, हज फर्ज है। और पांचवा हुक्म है कि ददियाल में या ननियाल में, तो दो खानदान निकल गए, ससुराल निकल गया और दूध पीने का रिश्ता निकल गया, ददियाल और ननियाल, इन दो खानदानों में जो महरम है यानी जिनसे निकाह कभी भी जायज नहीं है, भाई है, बहन है, फूफी है, खाला है, मामू है, वो अगर गरीब हैं और उनको माजूर है और उनके पास कोई शक्ल कमाने की गुजारे की नहीं है, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहज हैं, नाबीना है, तो फिर उनका खर्चा इस साहिब निसाब पर वाजिब है कि उसका खर्चा दो। इसको लोग जानते ही नहीं। दधियाल में कोई भी हो,
ننیال میں کوئی بھی ہو لیکن وہ محرم ہو جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور وہ غریب ہو اور معذور ہو اور کمانے کی کوئی صورت اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کا خرچہ اس صاحب نصاب پر فرض ہے. یہ پانچ احکام چھوٹے نصاب سے متعلق ہیں. جو بھی چھوٹے نصاب کا مالک ہے، اور اس پر حولان حول بھی ضروری نہیں ہے، چھوٹے نصاب کا مالک ہوا تو صدقہ فطر ادا کرو، قربانی ادا کرو، زکات نہیں لے سکتے ہو، حج فرض ہو گیا، حج کے بقدر پیسے ہوں تب حج فرض ہوتا ہے. زمین بیچ کر مکان زائد، جو زائد زمین بیچ کر زائد مکان بیچ کر اگر حج کے بقدر پیسے ہوں تب حج فرض ہوتا ہے. اسی طرح سے زی رحم محرم، ددیالی یا ننیالی زی رحم محرم ہو اور معذور ہو اور وہ کمانے کی اس کے لیے اندر استطاعت نہ ہو تو اس کا خرچہ فرض ہے. اس کا خرچہ اس کو اس صاحب نصاب کو دینا پڑے گا. یہ پانچ احکام تو اس چھوٹے نصاب سے متعلق ہیں. اس چھوٹے نصاب کا جو مالک ہے اس میں زکات نہیں ہے، اور بڑا جو نصاب ہے جو اونٹوں سے بنتا ہے یا بکریوں سے بھیڑ بکریوں سے بنتا ہے یا گائےوں بھینسوں سے بنتا ہے یا سونا چاندی کرنسی اور اموال تجارت سے بنتا ہے، اس سے جو نصاب بنتا ہے اس پر یہ پانچ احکام تو ہے ہی. چھٹا حکم یہ ہے کہ جب سال پورا گزر جائے اور ایک سال تک تمہارے پاس یہ نصاب رہے تو اب نصاب اب جو مقررہ جو زکات ہے، اونٹوں میں مقررہ زکات ہے پانچ اونٹ میں ایک بکری، گائےوں بھینسوں میں تیس میں ایک سال سالہ بچہ، اور بکریوں میں چالیس بکریوں میں ایک بکری، اور یہ جو چار چیزیں ہیں سونا چاندی اموال تجارت اور کرنسی، ان میں چالیسواں یعنی چالیس روپے میں سے ایک روپیہ زکات ادا کرو. یہ کب ہے؟ اس کے لیے سال گزر جائے، یہ نصاب کا مالک ہونے کے بعد میں پورا سال اس کے پاس نصاب رہے، نصاب میں سے زائد گھٹتا بڑھتا رہا اس کا اعتبار نہیں، لیکن نصاب کم نہیں ہو جانا چاہیے. اگر اس نصاب میں بھی گھٹ گیا سال کے بیچ میں تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے، پھر جب دوبارہ نصاب مکمل ہوگا تب سے سال پورا گنا جائے گا. اور اگر نصاب سے زائد گھٹتا بڑھتا رہا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نصاب اس کے پاس رہنا چاہیے، پورا سال مکمل نصاب اس کے پاس رہ جائے تو اس کے پاس میں وہ پانچ احکام تو ہیں ہی، ان پانچ احکام کے ساتھ زکات نکالنا فرض ہے. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اہل علم جانتے ہیں کہ من یہ تبیزیہ ہے، ما رزقناہم جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے بعض کچھ خرچ کرتے ہیں. دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارا نفس ہے، ہمارے جسم ہے، جان ہے، اور ایک ہمارے پاس میں مال ہے. یہ جان اور مال یہ دونوں ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جان بھی دی ہے، بدن بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، مالک بھی بنایا ہے، لیکن مالک بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خرید بھی لیا ہے، لیکن خرید کر کے بھی ابھی ہے وہ جان بھی ہمارے پاس ہے، مال بھی ہمارے پاس ہے. اور سورۃ توبہ میں آیت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں، یعنی پرائس قیمت سمن جنت ہے، اور مبی ہماری جان اور مال ہیں. تو ہم نے اپنی جان اور مال اللہ کو بیچا، اللہ خریدا رہے ہیں، اور وہ اس کے عوض میں ہمیں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب یہ جان جسم ہمارا بدن اور جان اور نفس ہمارے پاس ہے، مال بھی ہمارے پاس ہے مگر ہمارا نہیں، اس کو ہم بیچ چکے ہیں،
मगर है हमारे पास, लिहाजा बाए कहेगा, मुश्तरी खरीदने वाला कहेगा कि हम ये जो तुम्हारे पास मेरा माल है व जान है इसको यहाँ खर्च करो, वहाँ खर्च करना है। और अब हमारा तो हक है, उसकी जो कीमत जन्नत मिलेगी उसी में हमारा हक है। उसके बाद फिर आयत करीमा में ये है कि जान खर्च करने की तो एक जगह मुतय्यन है और माल खर्च करने की कोई जगह मुतय्यन नहीं है, बहुत जगह है। और कुरान करीम में, सारे कुरान करीम में उन मालों को खर्च करने के तज़किरे आए हैं। और उसके अलावा अहादीस शरीफा में भी माल कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए उसका तज़किरा आया है। इसलिए इस आयत में इसका तज़किरा नहीं किया गया कि माल कहाँ खर्च करना है, अलबत्ता जान कहाँ खर्च करनी उसका जिक्र आया है। إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام سے لوہا لیتے ہیں، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور میدان میں اترتے ہیں मरने के लिए नहीं, मारने के लिए। यक्तुलूना वो युक्तलून, कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं, यानी मरने के लिए नहीं मैदान में उतरे, मारने के लिए उतरे हैं, लेकिन मरना भी पड़ सकता है। बहरहाल ये जान खर्च करने की एक मुअय्यन जगह है, उसका जिक्र है। युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व युक्तलून, माल कहाँ खर्च करना है उसके लिए दूसरी जगह कुरान में देखो, हदीसों में देखो कहाँ कहाँ माल खर्च करना है। जान खर्च करने की एक जगह मुतय्यन थी, लिहाजा उसका तज़किरा इस आयत में किया। ठीक है, हम खर्च करेंगे वादे के मुताबिक, जान भी खर्च करेंगे, माल भी खर्च करेंगे, उसकी प्राइस वो कब मिलेगी, हमें जो कीमत है जन्नत वो कब मिलेगी। फरमाया कि इसका वादा है और वादा सच्चा वादा है, और तौरात में भी ये वादा था, इंजील में भी वादा था और कुरान में वादा है। वादन अले हक्कन फि तौरात वल इंजील वल कुरान। मैंने पहले भी बतलाया था कि बड़े कारोबार जहां होते हैं बॉम्बे जैसे, वहां कोई चीज खरीदी जाए तो खरीदने के बाद 15 दिन में पेमेंट करना होता है, और ये 15 दिन में पेमेंट ये कैश पेमेंट कहलाता है, इसको उधार नहीं कहते हैं। इसी तरीके पर अल्लाह ताला ने जो हमसे ये जान और माल खरीदे हैं और वादा है कि हम जन्नत देंगे, ये सच्चा वादा है, और वो 15 दिन नहीं, एक दिन पूरा होने से पहले पहले वो वादा पूरा हो जाएगा, जन्नत देंगे अल्लाह। देखो मेरे भाइयों, ये जो टाइम है, इस टाइम की मिसाल रबड़ जैसी है। एक इंच का रबड़ लो, उसके दो किनारे से पकड़ करके खींचो तो एक बालिश का हो जाएगा, फिर उसको छोड़ दो तो एक इंच का हो जाएगा। इसी तरह से ये टाइम है, इस टाइम, ये टाइम रबड़ की तरह से खींच दिया गया है। और कुरान करीम में है कि अल्लाह ताला के यहाँ का एक दिन और यहाँ के हजार साल बराबर है, यानी वहां का जो एक दिन है उसको यहां खींच करके हजार साल बना दिए। इसीलिए इस दुनिया के अंदर तो आदमी जब जमाना गुजर जाता है तो 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, बुढ़ा हो गया, पैर घसीटने लगा। लेकिन अल्लाह के यहां जो जमाना है वो जमाना वो खींचा हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ जमाना गुजरता ही नहीं है। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुसल खाने में से नहा कर निकले थे और बालों में से पानी टपक रहा था। उस जमाने में तौलिया इस्तेमाल नहीं करते थे। फिर फरिश्ते आए और ईसा अलैहिस्सलाम को उठा करके आसमानों पर ले गए। अब कयामत के करीब में जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर से दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार पर उतारे जाएंगे, फरिश्ते उतार लेकर आग उतारेंगे, तब भी उनके बालों में से पानी टपक रहा होगा।
यानी वहां जमाना गुजरा ही नहीं, अभी तक तो पानी टपक ही रहा है और यहाँ जमाना गुजरता है। तो बहरहाल यहाँ रबड़ को खींच दिया है और कुरान करीम में एक जगह पर है कि वह इन यौमन इंदा रब्बी का अल से सनत मिम्मा तउद्दून, तुम्हारे नजदीक का एक दिन अल्लाह के यहाँ के हजार साल के बराबर है। ये तो एक जगह पर उस रबड़ को और खींचो, जैसे कपड़ा धो करके एक कमजोर आदमी लुंगी निचोड़े और अपनी पूरी ताकत से निचोड़ ले, फिर उसको पहलवान आकर निचोड़ेगा तो एक कटोरा पानी और निकालेगा। तो इसी तरीके पर ये रबड़ खींचा है, इसको और ताकत से खींचोगे तो और बढ़ जाएगा। अल्लाह के यहाँ का जब वो खींचते हैं तो इतना हो जाता है। सूरह मारिज में है, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا। इस आयत करीमा में यह है कि कयामत का दिन जो इस दुनिया का लास्ट डे है, अल-यौमुल आखिर है, वो एक दिन 50,000 ईयर का है, 50,000 साल का वो एक दिन है। कयामत का जो दिन है वो 50,000 साल का है, क्योंकि दिन रात बनते हैं, सूरज निकलता है गुरूब होता है, सूरज निकलता है गुरूब होता है, तो 24-24 घंटे में रात दिन बन जाते हैं। जब कयामत का कई वक्त करीब आएगा तो जैसे बॉल बेयरिंग वाला पहिया घुमाते हैं, वो पहिया घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है, जब उसके ठहरने का वक्त आता है तो फिर उल्टा घूमता है। तो इसी तरह जब कयामत का वक्त आएगा तो सूरज जो चल रहा है ये मगरिब से वो निकलेगा और मगरिब से निकलकर सर पे आएगा फिर डूबेगा, सर फिर निकलकर सर पे आएगा फिर डूबेगा, फिर निकलकर सर पे आएगा फिर डूबेगा। इस अब कयामत शुरू होगी, जब सूरज मगरिब से निकल आया तब कयामत शुरू हो गई और अब तौबा का दरवाजा बंद हो गया, अब ईमान लाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। और ये अब ये जो लास्ट डे है ये 50,000 साल का दिन है। इस 50,000 साल में जितने मामलात इस दुनिया में पेश आ चुके हैं वो सारे मामलात फिर पेश आएंगे और फिर भी जो जो हिसाब किताब मुकम्मल होगा तो फिर एक और ब्रिज रखा जाएगा, उसका एक सिरा जमीन पर होगा, दूसरा सिरा जन्नत में होगा और नीचे जहन्नम है। हर एक को इस पुल सिरात पर से गुजर करके जन्नत में जाना है, पर जो जहन्नमी है तो जहन्नम में से आंकड़े निकलेंगे और पकड़ करके उसे जहन्नम में ले जाएंगे, और जो जन्नती है वो गुजर जाएगा जन्नत में पहुंच जाएगा। बहरहाल में ये जो आयत है कि तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि यौमिन काना मिक्दारुहु खमसीन अल्फ सना, इसकी जो ये तफसीर है यही सही और राजे तफसीर है। एक तफसीर दूसरी ये है कि ये कायनात जब से पैदा हुई है तब से 50,000 साल जब पूरे हो जाएंगे तब कयामत आएगी, एक तफसीर ये है। लेकिन तफसीर सही नहीं है, जो सही आम तमाम मुफस्सिरीन जो तफसीर करते हैं वो ये करते हैं कि जो कयामत का आखिरी दिन है वो अकेला अल-यौमुल आखिर, वो अकेला दिन ही इतना लंबा है। मुझे तो मैं भाइयों ये समझा रहा था कि जमाना लंबा यहाँ है और गुजरता यहाँ है, दूसरी दुनिया में यहां से कि जन्नत हमारी इस दुनिया के पैदा होने से पहले पैदा की गई है और उसमें जो हूरे हैं कसूर हैं गिलमान हैं वो उस वक्त से पैदा हुए हुए हैं। तो कोई ये समझेगा तो बहुत बुढ़ी हो जाएंगी हूरे, बुढ़ी नहीं होंगे, वहां जमाना ही नहीं गुजरता है, जमाना ही यहाँ गुजरता है और जमाना गुजरने से बूढ़ा बूढ़ी होती है और वहां जमाना ही नहीं गुजरता। बहरहाल में कह ही रहा था कि अल्लाह का वादा है और एक दिन पूरा होने से पहले वो वादा पूरा हो जाना है और सच्चा वादा है, कुरान में भी है, तौरात में भी है, इंजील में भी है।
فمن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. बस जिसने अल्लाह ताला से ये सौदा कर रखा है, जान माल बेच रखे हैं, अगर उसने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में खर्च की और अपना माल अल्लाह के लिए खर्च किया तो उसके वादे नहीं आ रहे, उसको वो खुश हो जाए कि उसने बड़ा कीमती सौदा किया, क्योंकि ये तो माल चंद रोजा है, जान चंद दिन के लिए है, 100 साल के लिए जान है, इसको दे करके अबदी जन्नत ता अबद जन्नत हासिल कर ली, तो इससे ज्यादा बेहतर कौन सा सौदा हो सकता है। बहरहाल इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि हमारी जान हमारी नहीं है और हमारा माल हमारा नहीं है, है जान भी हमारी है माल भी हमारा है, मगर हम अपने इस जान को और माल को अल्लाह के हाथ बेच चुके हैं जन्नत के अवज में, बस अब ये बिल्कुल लिया हमारा नहीं है। अल्लाह का जहाँ हुक्म है वहाँ जान को खर्च करना है और जहाँ अल्लाह का हुक्म है वहाँ माल खर्च करना है। वो जो कुरान और हदीस में माल खर्च करने की बेहिसाब बेशुमार जगह है, उनमें से एक जगह ये है, 8 मसादिफ हैं जो सूरह तौबा में पढ़े हमने, इन्नम सदकातु लिल फुकरा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, ये 8 मसादिफ हैं, उन 8 मसादिफ में इस ये जो जकात का माल है इसको इन 8 मसादिफ में खर्च करना है, बस यही मुतय्यन उसकी जगह है, उसके अलावा खर्च करने की जगह नहीं है। एक गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम को जकात नहीं दे सकते, लेकिन गैर मुस्लिम इंतहाई परेशान है, जैसे आजकल लॉकडाउन के जमाने में एक गैर मुस्लिम भाई इंतहाई भूखा मर रहा है, तो उसको जकात दे सकते नहीं, जकात नहीं दे सकते। जकात तो 40वां हिस्सा है, 39 हिस्से तुम्हारे पास हैं, उन 39 में से खर्च करो। ये जकात जो है उसके तुल्य 8 मसारिफ अल्लाह ने मुतय्यन कर दिए। मेरे पास एक सवाल है कि एक शख्स सैयद है, मर्द भी सैयद है, औरत भी सैयद है, और सैयद के लिए जकात जायज नहीं है, और आजकल वो उनके घर में खाने को कुछ नहीं है, परेशान नहीं है, भूखे मर रहे हैं, तो क्या हीला करके उनको जकात दे सकते हैं? तो वो मसला जब आएगा तब मसला बयान करेंगे कि अभी इस जमाने में सादात को भी, एक तो डुप्लीकेट सादात हैं जिनका कोई नसबनामा नहीं, बस सादात कहलाते हैं, सैयद कहलाते हैं, वो तो उनके लिए जकात देना जायज है ही, लेकिन जो वाकई सैयद हैं जिनका नसबनामा मौजूद है, आज के मुफ्तियों का, बाज मुफ्तियों का फतवा ये है कि उनको भी जकात देना जायज है। तो मैं ये नहीं कहता कि जकात दो या न, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई तू सवाल जकात से मदद करने का क्यों कर रहा है? तेरे पास जकात निकालने के बाद 39 हिस्से माल के तो तेरे पास बचे हुए हैं, तो क्या अल्लाह की औलाद, अल्लाह के रसूल की औलाद के लिए तू 39 हिस्सों में से एक हिस्सा नहीं निकाल सकता? जो जकात के लिए पूछ रहा है कि जकात से मदद करे या न करे, कैसी बेशर्मी की बेगैरती की बात है कि अपने आका और अपना सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो वाकई औलाद है, उन औलाद के लिए उन 39 हिस्सों में से एक हिस्सा नहीं दे सकता? वो मसला पूछना था कि जकात दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो मैं कह रहा था कि इसके मसारी मुतय्यन 8, उसमें यह है कि गैर मुस्लिम को आप जकात नहीं दे सकते, बस गैर मुस्लिम का ताउन करना है तो ताउन करना है, तो ये 40वां है, इसी पर क्यों डिपेंड है? इसके बाद तेरे पास 39 हिस्से और भी तो बचे हुए हैं, उनमें से कर इस गैर मुस्लिम के ताउन, किसने मना किया है ताउन करने से? लेकिन तू ये कह रहा है जकात ही पर मसला पूछ रहा है, तो ये गलत फहमी है इंसान की कि जकात ही पर डिपेंड हो रही है। ये जकात तो इन 8 मसारिफ के लिए है, और बकिये जो 39 हिस्से हैं वो जहां दुनिया जो चाहे खर्च कर। बहरहाल अल्लाह ताला ने माल, जकात का माल जो है वो मुतय्यन जगहों में खर्च करने के लिए कुरान में एक सहाबी आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जकात का माल तकसीम कर रहे थे, उन्होंने सवाल किया और वो जकात के मुस्तहिक थे नहीं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देख देख भाई, ये जकात का माल है,
और जकात के माल के सिलसिले में अल्लाह ने मलक मुकर्रब मुकर्रब फरिश्ता और नबी मुरसल नबी अंबिया और रसूलों पर अल्लाह ने एतमाद नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इस माल के 8 मसारिफ खुद नाजिल किए हैं कुरान में। बस अगर इन 8 में तू किसी मसरफ में अगर आता है तो मैं तुझे दे सकता हूँ, वरना सॉरी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन 8 मसारिफ से बाहर खर्च करने का इख्तियार नहीं था, तो आज किसी और को इख्तियार कहाँ से हो जाएगा? लेकिन जहाँ जरूरत हो तो वहाँ बाकी जो ये जकात तो 40वां हिस्सा है, बाकी जो 39 हिस्से हैं उनमें से तुम जहाँ चाहे खर्च करो, उसको किसने मना किया है? किसी ने मना नहीं किया। तो मैं कह रहा था कि मिन तबीज यह इस्तेमाल किया है, और मुसलमान वो है कि जो हमने उनको रोजी दी है उसमें से कुछ खर्च करते हैं। ये जो हमारे पास माल है ये हमारा, ये दर हकीकत ये इस माल के मालिक अल्लाह हैं। अल्लाह ने तो हमें उसमें डिप्यूटी बनाया है, मालिक बनाया है। अन और कुरान में फरमाया वह अनफिकु मिम्मा जालकुम मुस्तखलफीना फी, खर्च करो उस माल में से जिसमें हमने तुम्हें अपना नाइब कायम मकाम बनाया है, उसमें से खर्च करो। वही जो अल्लाह ने कायम मकाम बना करके दिया है यही रोजी है। लिहाजा फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, वो मुसलमान वो हैं जो अल्लाह के दी हुई रोजी में से कुछ खर्च करते हैं, जितना अल्लाह ने खर्च करने के लिए कहा है उतना खर्च करते हैं, ज्यादा खर्च करो लेकिन इससे कम नहीं। तो ये दो इबादतें हैं। मैं ये कह रहा था कि एक इबादत तो है बदनी है, वो दो इबादतें हैं नमाज और रोजा। देखो हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक हमारी बॉडी है और एक हम अंदर बॉडी के अंदर रूह है। रूह की तरबियत के लिए नमाज है और बदन की तरबियत के लिए रोजा है। इसीलिए रोजे की जहां आयत आई है वहां ये कहा है कि अगर तुम रोजे कहोगे, तुम रोजे रखोगे जैसा पिछली तमाम उम्मत रोजे रखती आई, इसी तरह से तुम रोजे रखोगे तो तुम तंदुरुस्त रहोगे, बीमारियों से हर तरह की बीमारियों से बच जाओगे। और इसीलिए फाका सबसे ज्यादा, और फाके के साथ अगर रोजे की नीयत है तो सवाब का सवाब, फाका का फाका और सवाब का सवाब। तो ये हजार बीमारियों की एक दवा है रोजा। तो बदन की सेहत के लिए रोजा है और रूह की परवरिश के लिए नमाज है। ये दो इबादतें हैं। और दूसरों की सहायता, दूसरों की ताउन, दूसरों की मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए जकात रखी है। और एक इबादत रखी है जिसमें माल भी खर्च होता है बदन भी खर्च होता है, और वो हज है जो बदन और माल से मुरक्कब है, उसमें बदन भी खर्च होता है माल भी खर्च होता है। ये इबादत जो है वो महबूब से मुलाकात के लिए महबूब के घर जाओ। अब अल्लाह के घर तो जा नहीं सकते, अल्लाह तो गैबुल गैब है, तो उसका जो पैकरे महसूस है मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ, वहां जाओ और वहां जाकर के मरासिम जो इबादत के हैं वो अदा करो। यूं चार इबादतें अल्लाह ताला ने, ये चार इबादतें अरकान अरवा रखे हैं, नमाज जकात रोजा और हज। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जो असल मुझे समझाना था, लोग ये नहीं जानते कि निसाब दो हैं, एक छोटा निसाब है एक बड़ा निसाब है। बड़े निसाब को तो सब जानते हैं, छोटे निसाब को कोई जानते नहीं, और छोटे निसाब के साथ जो 5 अहकाम मुतालिक है उसे भी कोई नहीं जानता, और उनमें भी अगर जानते भी हैं तो जकात और कुर्बानी को, सदके फितर को जानते हैं। ये जो ददियाल और ननियाल के माजूरों का खर्चा फर्ज है इसको तो कोई जानता भी नहीं, और हज फर्ज है इसको तो कोई जानता ही नहीं। लोग ये समझते हैं कि जब इतने पैसे आएंगे हज हो, और जमीन बहुत सारी है, मकान बहुत सारे हैं, उस वो तो कहा वो तो है, लेकिन वे पैसे में हज के लिए जाने के लिए बकदर नहीं है। तो इसलिए मैंने ये दो निसाब बताए कि एक छोटा निसाब है उसके साथ 5 अहकाम मुतालिक हैं, एक बड़ा निसाब है उसके साथ 6 अहकाम मुतालिक हैं। ये जहन में रख करके लोग
लोग सवाल करने लगे हैं, ऐसे सवाल जो उनको मुझसे नहीं करने चाहिए। मैं दारुल इफ्ता खोल कर नहीं बैठा हूं। एक साहब ने पूछा कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, इतने लाख रुपए तरका है और ये वो रसा है, तो किस वारिस को क्या मिलेगा? तो मैंने कहा किसी दारुल इफ्ता से पूछो। यहाँ बॉम्बे में भी मुफ्ती सईद साहब हैं, मुफ्ती अजीज रहमान साहब हैं और बहुत से मुफ्ती, उनसे पूछो, नहीं तो देवबंद से पूछो, ऑनलाइन पूछो। एक बंदा पूछ रहा है कि एक इमाम साहब ने पढ़ा सुम्मा रददना हुआ सला साफिलीन अल्लजीना आमनो इल्ला, छोड़ दिया तो नमाज हुई या नहीं हुई। अरे भाई ये मसले मुझसे पूछने के थोड़े हैं, ये पूछो दारुल इफ्ताओं से, वो बतलाएंगे मसले। मैं तो यहाँ मोटी मोटी दीन की बातें बतला रहा हूँ जो आप